दोस्तों भारत के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट मास लेवल पे काम करते हैं। अमेजोन को किसी किसी चीज में तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे बीट कर देता है, हजारों करोड़ों की सेल करते हैं। खास करके दोस्तों इनकी बिग बिलियन डेज और जो बड़ी बड़ी जो दिवाली के टाइम पे सेल होती है ना, हजारों करोड़ों का धंधा करते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपनियां जो है, खास करके अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, ये कंपनियां दोस्तों कहीं कहीं पे कस्टमर को यहाँ पे चीट भी करती हुई नजर आती है। चीट मतलब इन द सेंस एक दिन की डिलीवरी बोल के तीन तीन चार चार पांच पांच दिन चले जाते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभी जो आपने मंगाया कुछ मिला कुछ और, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो ऑनलाइन कंपनियों के साथ दोस्तों होती है, धोखेधड़ी होती है कितनी बार दोस्तों। और इन चीजों को दोस्तों अगर आपने सही तरह से टैकल नहीं किया तो हालत खराब होती है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों यहां पे कंपनियों पे केस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कंज्यूमर फोरम दोस्तों सरकार ने बनाया, कंज्यूमर कोर्ट बनाई अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। और इस चीज का दोस्तों फायदा उठाते हुए दोस्तों यहां पे बैंगलोर के अंदर दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट ने यहां पे बोलते ना कि फटकार लगाई, ऑलमोस्ट 50,000 की पेनल्टी दोस्तों फ्लिपकार्ट यहां पे लगी है। एक दोस्तों कस्टमर थे जिन्होंने दोस्तों पूरी शिकायत की, तो ये क्या शिकायत थी, किस तरह से दोस्तों यहां पे फ्लिपकार्ट को 250,000 की पेनल्टी लगी है, इस पूरे केस को स्टडी करेंगे और किस तरह से आप अपने खुद के राइट्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। कल दोस्तों ऑनलाइन भी ऑलमोस्ट सब कुछ होता है आजकल, कुछ भी दोस्तों, छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ियां आजकल ऑनलाइन मिलने लगती है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती है, आफ्टर सेल सर्विस, डिलीवरी इश्यूज, न जाने क्या क्या। कंपनियां मोस्टली दोस्तों हाथ खड़े कर देती है कितनी बार, लेकिन आपके पास एक रास्ता है दोस्तों, अगर आप इनकी सर्विस से परेशान है, अगर आपको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ कितनी बार, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों आज फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जॉइंट के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे बेंगलोर की जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया जहाँ पे 50,000 का ऑलमोस्ट टोटल 50,000 का फटका लगा है दोस्तों, इसको चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट फाइन बाय बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट फॉर नॉट डिलीवरिंग सेल फोन। एक सेल फोन था दोस्तों, वो क्या केस था तो बताऊंगा, लेकिन वो डिलीवर ना करने के ऊपर यहाँ पे 50,000 का दोस्तों फटका यहाँ पे लगा है। ई कॉमर्स की दोस्तों जॉइंट फ्लिपकार्ट हैज बीन फाइन बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। दोस्तों जो कंज्यूमर कोर्ट होती बेंगलुरु की, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे बोला कि डिलीवरिंग नॉट डिलीवरिंग द सेल फोन टू द कंज्यूमर इवन आफ्टर द रिसीविंग फुल पेमेंट, पूरा पैसा दे दिया उसके बाद भी फोन नहीं डिलीवर किया, एक ये कारण था, उसलिए दोस्तों फटका लगा। आप समझ सकते हैं, तो सिंपल है, तो लोग चला ही लेते यार डिलीवर नहीं हुआ बाद में आ जाएगा। लेकिन इसके बेसिस पे आप कंपनी को कोर्ट में लेके आ सकते हैं। कमीशन ने दोस्तों यहाँ पे जो है उसने जजमेंट यहाँ पे दिया और यहाँ पे बात कीजिए कि 12,499 यानी ऑलमोस्ट 12,500 रुपये जो थे देने पड़ेंगे, प्लस ईयरली 12% के इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे कंज्यूमर को। उसके साथ 20,000 रुपये का फाइन ठोका है, 12,500 ये 20,000 का फाइन, प्लस 10,000 रुपये लीगल एक्सपेंडिचर भी दिए हैं जो कोर्ट में खर्चा वर्चा हुआ पार्टी का, वो तो ऑलमोस्ट 47,000 समथिंग है, मतलब रफली 50,000 समथिंग टोटल यहाँ पे देना पड़ेगा। किसने दोस्तों, चेयरपर्सन जो थे यहाँ पे कोर्ट के वो यहाँ पे थे एम शोभा और उसके साथ मेंबर थे रेणुका देवी देश पांडे, उन्होंने दोस्तों वर्डिक्ट सुना यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो जजेस थे यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों एक लेडी थी दिव्यश्री जे, वो रेसिडेंट थी दोस्तों यहाँ पे राजाजी नगर बेंगलुरु के अंदर, उन्होंने दोस्तों कंप्लेंट फाइल की थी कि उन्होंने फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने बोला था कि मैंने एक फ़ोन बुक किया, पैसा पूरा दे दिया, जनवरी 15 की बात चल रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी सेकेंड डे पे डिलीवरी होने वाली थी, फ्लिपकार्ट अपने प्लस मेंबर को जैसे देता ही है, लेकिन दोस्तों वो डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी डिले हुई। उन्होंने कंप्लेन भी की, बहुत सारी चीज़ें की, पैसा भी यहाँ पे चुका दिया था, लेकिन डिलीवरी ना होने के कारण दोस्तों ये थोड़े वो हो गए। इनके बाद दोस्तों ये वैसे ही फ्लिपकार्ट की दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना कि फ्लिपकार्ट की नेग्लिजेंस भी इसमें केस में देखने को मिली। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों अपने ये जितने भी दोस्तों अनएथिकल प्रैक्टिस की उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट ने अपने ना तो रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में भेजे ना कुछ किया, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों जजमेंट निकल गया जहाँ पे फ्लिपकार्ट को गिल्टी माना गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे देने पड़ेंगे इनको टोटल ओवरऑल। और फाइनली कंज्यूमर कोर्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जीत जो थी कंज्यूमर की हुई। तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है टेंशन मत करिए, बड़े से बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, आपको सही तरह से सही स्टेप यहाँ पे लेने पड़ते हैं। इस केस के अंदर दोस्तों लेडी ने यहाँ पे एक फ़ोन ऑर्डर किया था, पूरा पैसा एडवांस में दे दिया था, डिलीवरी दूसरे दिन होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, डिलीवरी और डिले होती गई। उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में अपील की, उससे पहले उन्होंने कस्टमर केयर में कॉल किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कुछ एंटरटेन नहीं किया, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट से इनको यहाँ पे बोलते हैं राहत मिली, जजमेंट आया इनके पक्ष में और यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ऑलमोस्ट 50,000 देने पड़े दोस्तों। यहाँ पे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ क्या, आप कभी कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं क्या, आपने कभी दोस्तों शिकायत दर्ज
की कंज्यूमर कोर्ट में, नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देते, आपके भाई का चैनल है, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देखने मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको भी जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।